वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर जहीर खालिद। ब्राह्मण ब्रीड का सुना आपने, ब्राह्मण ब्रीड है कैटल की, इसे ब्रह्मा भी बोला जाता है। तो ये सारे ब्राह्मण बुल्स हैं, मेल बुल, इनको आप देखें ब्राह्मण बुल्स को। ब्रह्मा बेसिकली जो ब्रीड थी, हम अभी तक यही सोचते हैं कि ये इंडियन ब्रीड है, तो ये जो ब्राह्मण है ये इंडियन नहीं है। 1920 में गोरे लेके गए थे इसे इंडिया से, जो गीर ब्रीड थी। तो ये बेसिकली फिर उन्होंने एक ब्रीड तैयार की है क्रॉसिंग के ज़रिए, जिसको ब्राह्मण का नाम दे दिया गया। ये तीन ब्रीड का क्रॉस है, गीर, निलोर और गुजेरा। ये तीन ब्रीड्स को आपस में क्रॉस करवा के एक ब्राह्मण ब्रीड पैदा की गई, जिसकी खूबी ये है कि वो मीट के लिए यूज़ की जाती है। जो बॉडी वेट, जिसका बड़ी अच्छी बॉडी वेट जो है बड़ी स्पीड से बढ़ता है, वो बड़ा अच्छा बॉडी वेट गेन करता है। आप ये ब्राह्मण बुल देख रहे हैं, ये इनमें ये बड़े जो दो बुल हैं इनकी एज जो है ये तकरीबन 1.5-2, बाकी सारे 1 साल से कम एज के हैं। वो आप पहला बुल देख रहे हैं, वो साइड वाला दिखाएं, वो तकरीबन 1.5-2 साल का, एक ये वाला बुल और एक ये वाला बुल, बाकी सब की एज 1 साल से कम है और इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। तो ब्राह्मण में बेसिकली जब तीन ब्रीड्स को क्रॉस करवाया गया तो टारगेट था मीट, कि एक ऐसी ब्रीड बनानी है जिसका वेट गेन जो है वो बड़ा स्पीड से हो, जो बड़ी स्पीड से वजन बढ़ाए और जिसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो और वो चंद सालों में ही बल्कि हो जाए। अब इसमें एक मैंने ट्रायल लगवाया था ब्राह्मण का, ब्राह्मण ब्रीड थी, उनके लिए न्यूट्रिशन का प्लान दिया, फैटनिंग का शेड्यूल दिया, तो मैं हैरान रह गया कि एक दिन में एक बुल का जो वेट गेन था वो 4 kg था तकरीबन। वो 70 बुल्स थे जिनको ब्राह्मण के, जिनको हमने ये शेड्यूल दिया था, तो इसमें एक दिन का जो वेट गेन था जो हाईएस्ट था वो 4 kg था। बाकी किसी का 3 किलो एक दिन में बढ़ा, किसी का 2 किलो बढ़ा, किसी का 1.5 किलो बढ़ा। तो अगर हम ब्रीड की बात करते हैं तो एक दिन में 4 किलो वेट बढ़ाना वो ब्राह्मण के बस की बात है, कोई दूसरी कोई भी ब्रीड इस लेवल पे नहीं पहुंच सकती। अब ये जो है ये सारे प्योर ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण सीमन लिया और साहिवाल कैटल में रखा। साहिवाल तो कह ले कि वो नाम की साहिवाल थी, जस्ट उसका कलर रेड था, तो उसमें ब्राह्मण रखा और फिर ये पैदा हुए। सारे बच्चे जो है ना ये मेल है, ये पैदा हुए और ये इस साइड पे आप दिखा सकें, ये तीन फीमेल्स पैदा हुई थी। तो इनकी अभी हम ब्रीडिंग करने जा रहे हैं, इनको दोबारा से हम ब्राह्मण ही रखने जा रहे हैं और इससे आगे जो नस्ल पैदा होगी उसमें ब्राह्मण की जो क्वालिटीज़ हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। तो ब्राह्मण के हम ब्रेड की बात करते हैं, खूबियों की बात करते हैं। आप ये ब्राह्मण सामने देख सकते हैं, इसकी फिजीक ही आपको बता रही है कि ये आम बुल्स नहीं है, ये कोई स्पेशल ब्रीड है। इसकी नीचे से झालर देखें, इसकी लेग्स की जो है चौड़ाई देखें, इसका पुट्ठा, इसकी हाइट, इसके ऊपर जो मान है उसको देखें, तो हर चीज़ बताएगी। अब ब्राह्मण में एक चीज़ देखी जाती है, उसके कान, वो जो कान है ब्राह्मण के जो थोड़े से लंबे होते हैं कान, वो बेसिकली ब्राह्मण में जो गीर को यूज़ किया गया था वो गीर के कान थे। जैसे एक बुल में ना कान वाले ख्वास कुछ बेहतर आए हैं, ये आप इस बुल के कान देखें, ये बिल्कुल इसमें गीर वाले जो करेक्टर्स हैं वो ज़्यादा है। ये वाला बुल जो सामने जो बरामदे में खड़ा है, इस बुल के आप कान चेक करें, ये बिल्कुल गीर के जैसे कान है। तो कान जो ब्राह्मण में लंबे आते हैं वो गीर का ब्लड है, ब्राह्मण की जो हाइट है वो निलोर का ब्लड है, और बीफ के जो ट्रेट्स हैं कि वो बड़ी जल्दी से थोड़ा खा के ज़्यादा वेट गेन करता है, वो गुजेरा का ब्लड है। तो ये तीन ब्रीड्स को आपस में मैचिंग क्रॉस ब्रीडिंग करवा के तो ब्राह्मण को पैदा किया गया था। तो ये है जी ब्राह्मण ब्रीड, इसके साथ मुझे इजाज़त दें।